मतलब माउथ
हैं, ये क्या होता है? इसका मतलब आपका मस्कुलर संरचना होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट व्हेन फूड एंटर इन स्टमक दिस कैन एक्सटेंड। ओके, मतलब ये क्या होता है, एक्सटेंड कर सकता है, बड़ा हो सकता है। फूड को लेने के लिए स्टोरेज की तरह काम करता है, समटाइम फूड को स्टोर करता है, फिर डाइजेस्ट करता है। ओके, दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड हियर गैस्ट्रिक जूस आर फाउंड। गैस्ट्रिक जूस, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड इन स्टमक। ओके, इन स्टमक इनर लाइनिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड बाय दिस सीक्रेट द जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इन गैस्ट्रिक जूस दे आर रिच एसीएल, एसीएल सीक्रेटेड। ओके, एसीएल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। जब आपका खाना जो है स्टमक के अंदर आता है, स्टमक क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो आपका एसिड को सिक्रेट करता है। एसिड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। और यहाँ पे आपके एक और एंजाइम पाई जाती है, दैट इज पेप्सिन, दैट इज पेप्सिन एंड म्यूकस आर ऑल्सो फाउंड इन दिस। पेप्सिन जो होता है स्टमक के अंदर वो पाया जाता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, पेप्सिनोजन के फॉर्म में पाया जाता है। जब एसिड सीक्रेट होता है तो क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन में। तो पेप्सिन जो होता है वो आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को बचाने में मदद करता है पेप्सिन, नॉट पेप्सिनोजन। व्हेन पेप्सिनोजन फाउंड हियर देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसीएल पेप्सिन पेप्सिनोजन गेट टू पेप्सिन एंड देन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो हियर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अफर एंड व्हाट म्यूकस टू म्यूकस इज अ म्यूकस एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है एसीएल से, एसीएल इज हाइली एसिडिक। एसिडिक एसिड का आपको पता ही है कि एसिड का क्या होता है, एसिड जो होता है किसी भी चीज को गलाने का काम करता है। तो अगर म्यूकस कवरिंग नहीं होगी इसके अंदर तो क्या होगा, ये डाइजेशन है आपके स्टमक को ही गला देगा एसिड। तो म्यूकस कवरिंग जो होती है वो एसिड से इसको प्रोटेक्ट करती है स्टमक को। ओके, दिस इज अबाउट स्टमक, इज ऑल अबाउट स्टमक। होप यू हैव टू क्लियर दिस। Once digestion is stomach is completed, then food get and then food go to small intestine. Small intestine. See, that is a small intestine. This structure is a small intestine, and this is also okay. When we talk about the small intestine, this is a tubulated structure, much quiet structure होता है, बहुत ही लंबी संरचना होती है। जो quiet करके क्या होती है, एक जगह के अंदर ये स्थिर रहती है, quiet structure, quiet structure. And here, when we see the structure of small intestine, inner structure of small intestine, this is small intestine, and this is the inner structure of small intestine, inner layer. Okay? These called villi. Villi. अगर हम villi की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी blood vessels पाई जाती हैं, full of blood vessels. जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर लाइनिंग कुछ इस तरह की होती है, विलीज पाए जाते हैं, और विलीज में क्या होता है, सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। जब यहां पे आपका क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट
complete addition of compound take place in small intestine. Complete addition. How here is the complete addition? So see here, pancreas. We know that there is a gland pancreas, and this is also a gland that is liver. Liver secrete a bile juice. Liver secrete bile juice, and these bile juice are collected in gallbladder. Okay, and gallbladder open into the small intestine. Okay, that's clear. Liver secrete bile juice, and these bile juice are collected in gallbladder, and gallbladder open into small intestine. And here pancreas. Pancreas also secrete a juice, that is pancreatic juice. Pancreatic juice is also go into the small intestine. So here the intestinal juice is also formed. So how many juice there is formed? That is intestinal juice first, intestinal juice second, bile juice, and third pancreatic juice. So इतने सारे juice यहाँ पे, इतने सारे enzymes यहाँ पे पाए जाते हैं. इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है? फूड का कंप्लीट पाचन हो जाता है, पूरा डाइजेशन यहाँ हो जाता है. जो भी बचा कुछ रहता है पूरा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है. इसके बाद से कहीं भी डाइजेशन नहीं होता. देयर इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हेन वी सी द व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम्स दैट आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज बाइल जूस आर फाउंड हियर. बाइल जूस ओके, पैंक्रियाटिक जूस. इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स, एंड इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं. तो बाइल जूस ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एंजाइम्स, एंड इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एंजाइम्स. सो दीज हैव इन द डाइजेशन, इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. Bile juice help for fat digestion. And we see that हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, medium acidic था. Stomach के अंदर acid secrete हो रहा था, medium क्या था, acidic था. ये bile juice are alkaline in nature. Alkaline in nature तो ये क्या करता है, जैसे ही intestine के अंदर भोजन आता है उसको क्या करता है, alkaline कर देता है. ओके, तो बाइल जूस का नेचर जो होता है वो एल्कलाइन होता है. तो फूड आर फूड मीडियम इज चेंज टू एल्कलाइन मीडियम. हियर इन स्टमक एसिडिक मीडियम आर फॉर्म, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज एल्कलाइन मीडियम आर फॉर्म. सो एंड पैंक्रियाटिक जूस आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट एमिनो एसिड इट इज, एंड इंटेस्टाइनल जूस आल्सो हेल्प इन प्रोटीन एमिनो एसिड दैट इट इज. Once food get digested here, एक बार जब भोजन का यहाँ पाचन हो जाता है तो क्या होता है कि जो यहीं पे आकर क्या होता है, भोजन का absorption भी हो जाता है. There is also absorption also takes place here. How? With the help of villi. This structure villi, a finger like projection. Villi is like finger like projection that help create a surface for absorption. That create a surface for absorption. And here the villi is rich supply of, villi have this supply of blood vessels. Blood vessels की बहुत ज्यादा supply होती है इसके अंदर, और यहीं से क्या होता है, ये क्या करता है, digestion के लिए area, absorption के लिए area प्रदान करता है, area देता है. और area की वजह से यहाँ पे digestion जो food material होता है वो क्या करता है, absorb कर लिया जाता है with the help of blood vessels. Okay? तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि small intestine के अंदर पूरा digestion भी हो गया और साथ ही साथ absorption भी हो गया. जो आपका फूड मटेरियल बचा, जो एक्सट्रैक्ट बचा, वो फिर आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी संरचना होती है, लेकिन उसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है. अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं इस प्रकार, ये क्या होता है, इसको कहते हैं ल्यूमेन. तो ल्यूमेन इज बिग हियर. ओके, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ल्यूमेन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है. यानी डायमीटर जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो बड़ी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है. डायमीटर क्या होती है,
enter in back intestine, there is only absorption of water takes place. Okay? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड बचा हुआ जो फूड मटेरियल आता है उसका क्या होता है, जो एब्जॉर्ब कर दिया गया सारा जो बचा है वो आया, उसमें जो भी पानी है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. एंड जो बचा हुआ एक्स्ट्रैक्ट मटेरियल होता है जो कि शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं होती है वो क्या होता है, एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये आपका कंप्लीट पाचन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया या न्यूट्रिशन हो गया इन ह्यूमन बीइंग. Once I will repeat all these things that you have to understand. आपको समझने में मदद मिलेगी. एक बार मैं इसको सारे को रिपीट कर देती हूँ कि हुआ क्या है उसके अंदर. देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा माउथ, माउथ देखा, माउथ के बाद से वी सी दैट ही गोज टू ओएसोफेगस. ओएसोफेगस एंड देन व्हाट and then what? Small intestine. Small intestine and then large intestine. Large intestine and then go to anus. So this is the structure of alimentary canal. Open with the small intestine and go to anus. Okay? Here the digestion of the starch takes place. Here the peristaltic movement. Here also peristaltic movement are called intestinal muscles होती हैं जो क्या करती हैं भोजन को आपका नीचे intestine की तरफ ले जाने का प्रयास करती हैं. And here is what are called pepsin are called with pepsin help in the digestion of protein. And in the small intestine there is a lot of enzymes are formed with here the complete digestion takes place and absorption also takes place. In large intestine, there is only absorption of water takes place. Okay, and when extract material are found, these are goes to anus and go outside. So this is complete digestion in human being or nutrition in human being. If you have any doubt, then you can ask. I think that you all have no any doubt for this. But if you have, then you can ask. Now, one thing. There is a question given in your book, that is page number 101. Page number 101. There are four questions, five questions are given. Five questions are given in this page number. You can solve this, all this. And if you have any doubt, then you can ask. But if you understand all these things, then you can solve this question very easily. Okay? Thank you.